हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बैलेंस। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इस ईयर की सबसे पहली वीडियो और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है माय हेयर कलर। और मैंने अभी तक कभी भी अपने हेयर्स को कलर नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल कुछ नया ट्राई करें एंड पूरे ही साल ट्राई करें। सो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोग के साथ हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलो देख लेते हैं क्या है वीडियो में करने वाली हूँ स्ट्रिक्स का हेयर कलर। ये मैंने यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी सारे सर्च किया था पहले मैंने कि मैं हेयर कलर अगर घर पे करती हूँ तो क्या इसके कॉन्स होंगे, क्या इसके प्रोज होंगे। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगी, स्ट्रिक्स का ये वाला हेयर कलर मैंने एकदम रैंडम चूज़ किया है। मुझे लगा कि मे बी शादी मेरे को अच्छा लगे, मेरे फेस पे भी अच्छा लगे। और थोड़ा सा कलर पिक किया है, दैट इज़ सॉफ्ट ब्लॉन्ड। ये थोड़ा सा इसमें ब्लॉन्ड लग रहा है, बट मैंने जो यूट्यूबर्स को ट्राई करते हुए देखा था उसमें इतना ज़्यादा ब्लॉन्ड नहीं था। मे बी शायद ज़्यादा टाइम तक अगर स्टे करवाऊँ तो क्या पता और ज़्यादा ब्लॉन्ड हो जाए, बट मुझे ज़्यादा ब्लॉन्ड नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा कॉफीश टाइप कलर, हल्का ब्राउनिश टोन ही चाहिए। मैं इतनी लेंथ में सोच रही हूँ कि इतनी लेंथ में कर लूँ, क्योंकि अगर फिर मैं पोनी करूँगी तो वो अजीब सी पीछे से लुक आती है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक डिसेंट सा लुक चाहिए, तो इसके लिए मैं इतनी लेंथ को हेयर कलर करने वाली हूँ। एंड आप गेस करोगे ये मैं कितने, अब मैं घर पे कर रही हूँ तो कितना कम और कितना ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने वाला है ये। ओनली मैंने मुझे 125 रुपीज़ का ये पूरा बॉक्स पड़ा है, और अभी सेल पे चल रही थी। वैसे तो ये हमेशा 175 रुपीज़ का ही मिलता है, बट मैं मुझे अभी नायका के सेल पे 125 रुपीज़ में मिला है। आप भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप कलर करने का सोच रहे हो तो। और पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एंड इसमें यहाँ पे इमेज भी दे रखी है कि कैसा आपका थोड़ा सा लुक आने वाला है। एंड ऑलमोस्ट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खोल के तो देख लिया था कि इसके अंदर क्या है। आप लोगों को भी शो करते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पूरा पीछे से आपको 4 स्टेप दे रखे हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको इसमें एक स्पूली है, उसकी यूज से आपको ये जहाँ जहाँ हाईलाइट करने हैं वो कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद उसको अप्लाई करना है, 30 मिनट्स तक रखना है वही। इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, तो हम पहले खोलते हैं देन उसके बाद देखते हैं कि कलर कैसे आने वाला है। सो बेसिकली इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से आता है। ये टब अच्छा है, टब दिया है तो हमें अपने घर बर्तनों को गंदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना मैनुअल मैंने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी आप मेटल का बर्तन यूज़ ना करें इसको मिक्स या कुछ करने के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक का ही बर्तन यूज़ करें। इन्होंने टब दे दिया तो इसी में यूज़ कर लूँ। फर्स्ट डिस्क्लेमर इज़ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो और आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है या कुछ भी है कि आपको कहीं टच हो जाए तो उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, तो आप इसे पेस्ट टेस्ट ज़रूर कर लें देन उसके बाद ट्राई करें। अगर आप चाहते हो कि पहले कलर देख लूँ देन उसके बाद करो, तो आप पहले कलर भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद तो आपको पता चली जाएगी कि कलर क्या आने वाला है इस पैकेट में। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपने कोई भी पुराने क्लोथ्स ही वेयर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर अच्छे कपड़े पहन के बैठेंगे तो वो बचेंगे भी, क्योंकि पुराने कपड़े ही गंदे होने वाले हैं। तो ये इसके अंदर पाउडर डाल के नहीं मिक्स कर लेती हूँ मिक्सचर को, देन उसके बाद अपने हेयर्स को सेक्शन करके देन उसमें अप्लाई करती हूँ। एंड देन डाल लूँ किसी डेवलपर, मिक्स। सो ये कुछ इस तरीके से मिक्स हो गया है। एंड गाइस ऑनेस्टली सेइंग, अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स है और लॉन्ग हेयर्स है, आपको 2 से 3 पैकेट ज़रूर लगने वाले हैं। एक पैकेट पे तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी बनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कि मेरे बालों पे तो लग जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा थिन नहीं है, थिक है, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो उसमें तो हो जाने चाहिए। नाउ मैं अपने हेयर्स को पार्टीशन कर लेती हूँ, ज़्यादा मैसी पार्टीशन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फटाफट करना है। एंड ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा यार। So clearly see, I'm mess right now. Let me remove this gloves. So मैंने हाथ तो बचा लिया है, बट हेयर्स का तो बाद में पता चलेगा। ये मैंने कर लिया है कुछ इस तरीके से टाई, और क्लियरली सी कि इसमें यहाँ पे साइड से स्टार्ट किया था इसमें ज़्यादा लगा है, और इस वाले हेयर्स में ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि ये ख़त्म हो गया था यहाँ तक आते आते। तो प्लीज़
मैंने जैसा मेस फुलाया ना, आप मत करना प्लीज़, सेक्शन बाय सेक्शन करना और आराम आराम से करना, थोड़ी सी तसल्ली से। सो मिलते हैं, आप 30 मिनट तक मुझे से वेट करना है इसके साथ, और देख लो आप कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, तो इसलिए पुराने पहनना, इसलिए बोला है मैंने पहन लेना आप, ठीक है। तो 30 मिनट तक वेट करता, देखते हैं क्या होता है। गाइस, मैंने अपने हेयर्स वॉश कर लिए थे, एंड वॉश करने के बाद कुछ इस और कर्ल्स किए हैं, कुछ स्ट्रेट कर्ल्स, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो क्लियरली कि मेरे पास कलर ज़्यादा बचा नहीं था, तो इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर तो नहीं आया है, यहाँ पे ज़्यादा लग गया था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, बट यहाँ पे आया ये थोड़ा सा कलर, अगर बहुत पास से देखोगे तो आपको कुछ अच्छे से दिखेगा, बट बहुत ही प्यारा कलर है, एंड ये सनलाइट में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और अभी भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा होगा आप लोगों को, वैसे तो दिख नहीं रहा होगा। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को मेरा हेयर कलर और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, आई लव यू, बाय।